नवरात्रि के पहले दिन महाराष्ट्र वासियों को बड़ी खुशखबरी मिली। महाराष्ट्र की जनता हमेशा मराठी भाषा को प्राथमिकता देने को लेकर मांग करती है। वहीं अब पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई बड़ी योजनाओं को मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि इनमें मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाएं शामिल है। इससे पहले ही तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। केंद्र सरकार के इस फैसले में देवा भाव यानी कि देवेंद्र फडणवीस का काफी सहयोग रहा है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए महाराष्ट्र के लिए ऐतिहासिक दिन बताया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आणि संपूर्ण केंद्र सरकार से मी मनापासून आभार मानतो की इतक्या वर्षाची मागणी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा द्या ही मागणी माननीय मोदीजींनी आणि मंत्रिमंडळाने मान्य केली आणि आजपासून आपली मराठी भाषा ही अभिजात भाषा म्हणून गणली जाणार आहे। हा सुवर्ण अक्षरांनी लिहिण्याचा दिवस आहे। पंतप्रधान मोदीजी आपले खूप खूप धन्यवाद। महाराष्ट्र सरकारने मी मुख्यमंत्री असताना आणि आता देखील माननीय एकनाथराव शिंदेजींच्या नेतृत्वात सातत्याने पाठपुरावा केला, प्रयत्न केला, पुरावे दिले आणि आज हे सगळे पुरावे मान्य होत मराठी भाषा ही अभिजात भाषा झाली आहे। महाराष्ट्राच्या 12 कोटी जनतेच्या वतीनं आणि जगभरातल्या मराठी माणसाच्या वतीनं मी पंतप्रधान मोदीजींचे मनापासून आभार मानतो।